छुआ छूत अधर्म है, पाप है और अपराध है। जो छुआ छूत को धर्म, पुण्य और अच्छा मानते हैं वो कैंसरस है। इसलिए सबने संकल्प किया छुआ छूत मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे और हिंदुस्तान को महान बनाएंगे। दूसरा, भगवान वाल्मीकि जो हैं वो त्रिकालदर्शी आदिकवि महर्षि ब्रह्म ऋषि देव ऋषि हैं, जिन्होंने प्रभु का राम के रूप में आना वह पहले से लिखित कर दिया था। इसलिए भगवान वाल्मीकि ने जगत को और भारत को राम रामायण और राम नाम का चरित्र दिया है, राम नाम दिया। इसी के साथ साथ आज सबने संकल्प किया जो अपने धर्म में से और इस्लाम ईसाइयत में चले गए या किसी दूसरे धर्म में चले गए उन सबको फिर से अपने धर्म में वापस लाएंगे, गया जन लाएंगे, गई जमीन भी लाएंगे। भारत एक होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। भारत माता की जय, भगवान वाल्मीकि की जय, आवाज़ दो हम एक हैं इसका जय घोष, वंदे मातरम, जय हिंद, ये सब गुंजाते हुए उन्होंने बताया था। आवाज़ दो हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। छुआछूत मिटाएंगे, मजहबी पंथिक कट्टरता मिटाएंगे, नारी पर जुल्म का शोषण मिटाएंगे और सब में सद्भाव लाएंगे। जो गरीब दुखी है उसको प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे और भाईचारा लाएंगे। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब एक मत एक संकल्प होकर करते हुए ये कहते हैं, हे राजनीतिक नेताओं, हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटो नहीं। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर ही जीना चाहते हैं। जो बांटेंगे, भटकाएंगे, भड़काएंगे और लड़वाएंगे वो नहीं चलेंगे। जो मिलाएंगे और एक करेंगे वही इस देश में चलेंगे।